मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। तो अभी यार सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मम्मी आरती करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो मम्मी एक प्यारा सा पहले से शुभ दिन हो जाए ऐसा सुविचार दे दीजिए। मम्मी कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग मम्मी। तो आज गुजराती में सुविचार है। कोई बात नहीं चलेगा। દીવો પોતાની ઓળખાણ નથી આપતો, પણ તેનો પ્રકાશ તેની ઓળખાણ આપે છે। એવી જ રીતે કાર્ય કરતા જાઓ, તમારે તમારી ઓળખ નહીં આપવી પડે, તમારું કાર્ય છે એ જ તમારી ઓળખ બની રહેશે। વાહ મમ્મી વાહ, ક્યા બાત છે, ક્યા બાત છે, ક્યા બાત છે મમ્મી કે યાર બાત છે ના થોડી સી, મમ્મી કી બાત હે ના થોડી સી અલગ સી હોતી હે, તો મમ્મી કી બાત ઇતની અચ્છી હોતી હે ના યાર, બહુત મજા આતા હે। અરે ડિયર વાઈફી આ ચુકે હમારે, તો હેલો ગુડ મોર્નિંગ। પહેલે તો આપકો, आप तो आज बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। क्या किया हुआ? काजल किया हुआ है क्या? हाँ 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 हाँ, क्यों आज काजल किया हुआ है? आपको बहुत पसंद है ना, आप जब पहली बार देखने आए थे मेरे को तो आपने क्या देखा था? आपकी आंखें देखी थी मैंने, तो मैंने उसको सोचा ली। हाँ 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 हाँ, क्या बनाया हुआ है मेरे लिए डियर वाइफ, जल्दी से बोल दो। आपके लिए भाकरी बनाई है। मेरे लिए भाकरी बन चुकी है, तो हम भाकरी खाने वाले है। ये मेरे डियर वाइफ 10 पढ़े हुए हैं, पूरा 10, और 10वीं में चीटिंग करके पास हुए थे। यस, आपने सही सुना, चीटिंग करके पास हुए थे। ये हम उनके मुंह से सुन लेते हैं। बोलिए क्या, आप 10वीं में कितना मार्क्स आए थे आपका? मेरे को आए थे 63। 63% आए वाला था हमने, तो 63% आए वाला, तो 63% कोना कारण आए वाला? वो मेरे कारण। मेरे कारण એટલે चीटिंग करके लिखना तो पड़ता है ना। हाँ अच्छा, मतलब चीटिंग करके लिखने का, तो लिखना तो मेरे हाथ से है ना, तो चीटिंग भले ना की है मैंने, अपने हिसाब से पास नहीं हुए थे, चीटिंग करके पास हुए ना, तो उसमें मजा आया था। अपने हिसाब से होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा पेपर पूरे पूरा खाली हो जाता, इसलिए खाली हो कुछ नहीं लिख पाती। तो भाई सुन रहे हो, आपने सुन लिया ना उसके मुँह से के ये कैसे चीटिंग करके पास हुई है? इंग्लिश तो आती है। इंग्लिश आती है? बोल तो। इंग्लिश आती नहीं है और मेरी जाती नहीं है। नहीं इंग्लिश बोलना बोला था मैंने, जाती नहीं आती नहीं वो नहीं बोलना बोला तो खरा, इंग्लिश आती नहीं और मेरी जाती नहीं। इंग्लिश को आती नहीं और मेरी जाती नहीं, ऐसा होता है? डायलॉग भी ठीक से नहीं बोल पा रही है तू, तो डायलॉग की बात करते हुए हम पापा के पास चलते हैं, डायलॉग लेना है पापा के पास। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तो पापा एक डायलॉग फर्स्ट क्लास वाला दे दो यार। भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। वाह पापा वाह, पापा यार तैयार थे यार, मेरे को यार एकदम शॉकिंग लगा, पापा एकदम से गए डायलॉग बोल दिया। वाह क्या बात है पापा। वाह, तो पापा के पास यार इतना डायलॉग भंडार है ना, देखते हैं कितना डायलॉग मंगा रहे पापा, कैसे डायलॉग बोलते हैं ना, देखते रहो एकदम मस्त डायलॉग बोलते रहते हैं पापा। और तेरे लड़के को है ना ऊपर ले जाने का तू, क्यों शाम को क्यों आखिर रात नहीं सुवा जी, तो मैंने पूरी रात नहीं सोने देता है। क्या पापा थोड़ी अब नकिल हो रही जी जो, क्यों यहाँ हुआ नहीं तो मैंने आपको नहीं सोने देता, नतीजे आपको दिन में सो जाने का ना। घड़िया 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 जगाड़े आपको दिन में सो जाने का पापा। उसको बोल दे हाँ के दादू ऐसे ही नहीं बना जाता। हाँ पापा, दादू ऐसे ही नहीं बना जाता, कुछ करना पड़ता है, बाद में दादू बनते हैं। हाँ शैतानियों शैतान है तो होते हैं ना, उसकी शैतानियां सहन करनी पड़ती है। इसके बारे में कुछ पापा कहना चाहते हो? किसके बारे में? मम्मी ने कुछ कहा इसके बारे में, कुछ कहना चाहते हो आप? बच्चे हैं इसीलिए तो क्या है, ये बच्चे के लिए बोली है इसीलिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। A few moments later, पूरे दिन खाती रहती है, बड़ी खाए तो वो खड़ी खाए, बड़ी खाए तो वेफर खाए, बड़ी खाए तो ला बोली डबो खोले, बड़ी खाए तो ओलो डबो खोले, क्या नाखे देखा तो नहीं है, पूरे दिन वही करती रहती। तो कहाँ जा रहा है? यहाँ। अच्छा मम्मी हाथों में जा रहा है ऐसी बोल रही है? देखिए क्या बोल रही है, 2 किलो का हाथ है मेरा, 2 किलो का नहीं 500 ग्राम का भी नहीं है, पड़ता है तो मारना सूट जाता है। तू पहले उठ ले। मम्मी चाय पीवे जब अत्यारे कॉमेडी नहीं करता पता फुवारा मारी ऊपर उठ से। आज तो हनुमान जयंती है ना, हनुमान जयंती है,
उस बार जब गणपति बापा के लड्डू बने थे ना, तो आज हनुमान जी के लड्डू भी बनेंगे। वाह मम्मी क्या बात है। तो यहाँ पे हमारी यार ब्लॉग खत्म होती है, पर आपको ब्लॉग कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में जाके बताओ यार, धड़ाधड़ कमेंट करो यार, फटाफट कमेंट करो। एंड एक और बात जरूरी है, आई होप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ब्लॉग पसंद आ रही है, पर इससे भी हम कुछ क्रिएटिविटी करने वाले हैं, परंतु आप हमें बताइए क्या क्रिएटिविटी हो सकती है। आपके घर में भी यार ऐसी क्रिएटिविटी होती रहती है ना, तो आप कुछ बताइए यार हमें, क्रिएटिव आइडियाज दीजिए हमें। तो आप लोगों को यहाँ तक हमारी ब्लॉग देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलो हम मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, लव यू माय सब्सक्राइबर।